नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं सीए संकल्प कांस्टिया। स्वागत है आपका इस नए सेशन में, इस नए सब्जेक्ट में फॉर सीए सीएमए इंटर कॉस्टिंग। सब्जेक्ट का नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, अ पेपर नंबर 4 ऑफ 100 मार्क्स। आर यू ऑल एक्साइटेड टू लर्न समथिंग न्यू एंड वेलकम टू दिस होल न्यू वर्ल्ड ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ट्रस्ट मी, बहुत मजा आने वाला है। क्या आप तैयार हैं? तो चलो लेट द गेम बिगिन। तो एक छोटे से मेरे इंट्रोडक्शन के साथ मैं स्टार्ट करता हूं आज के सेशन को। एंड यस, डेफिनेटली वी विल डू वंडर्स। सो जस्ट एक बार कंफर्म कर देना भाई, ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है ना? यस गाइस, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलो सो स्टार्ट करेंगे सेशन को। मेरा नाम है, जैसा मैंने आपको बताया, सी ए सी एस संकल्प कांस्टिया। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे से कॉस्टिंग और एफएम दोनों ले रहे हैं, तो हमारा एफएम का भी नया बैच स्टार्ट हुआ है, तो उन्होंने आज मॉर्निंग में मेरा एफएम का बैच लिया था। एंड आई एम श्योर अब आप लोगों को तो मेरे बारे में आइडिया आ गया होगा, बट जो खाली कॉस्टिंग ले रहे हैं, जो भी कॉस्टिंग ले रहे हैं, शायद बाद में एफएम ले रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं थोड़ा एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। प्राची बोल रही है मुझे तो आवाज ही नहीं आ रही। प्राची, तेरे लैपटॉप में चेक कर, डेस्कटॉप में चेक कर, बिकॉज इफ अदर्स आर एबल टू हियर आई एम श्योर यू विल बी हियर। यस, थैंक यू अभिषेक फॉर हेल्पिंग। लेफ्ट साइड ऑफ स्क्रीन इज शोइंग अ साउंड आइकन, प्लीज क्लिक ऑन दैट प्राची जी। ओके, सो अपन करने वाले हैं पेपर नंबर 4, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा मेरा आइडिया दे देता हूं दैट बाय प्रोफेशन आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड अ कंपनी सेक्रेटरी, ग्रेजुएटेड फ्रॉम एनएम नरसिम्हाजी कॉलेज मुंबई। एंड ज्वाइन होने के बाद मैंने काम किया है फाइनेंस एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। लाइफ में खाली दो ही चीजें आती हैं, कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसीलिए इंटर और फाइनल दोनों में दो ही चीजें पढ़ाता हूं जो मैं प्रैक्टिकली कर चुका हूं। सो मेरा ये नाता दो सब्जेक्ट का, कॉस्टिंग और एफएम का, प्रैक्टिकली भी जुड़ा हुआ है। जब से मैं क्वालिफाई किया हूं तब से यही काम कर रहा हूं एंड तब से यही पढ़ा भी रहा हूं। एंड यू विल रियलाइज इट व्हेन वी डू मोर ऑफ थिंग्स दैट हाउ कनेक्टेड आई एम टू बोथ ऑफ दीज सब्जेक्ट्स। बिकॉज जैसा मैंने कहा, 4+ ईयर्स मैंने काम किया हुआ है। सो जैसे ही मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बना था, आई वर्क विद जेपी मॉर्गन फाइनेंशियल सर्विसेज इन देयर असेट मैनेजमेंट फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस डिवीजन। सो असेट मैनेजमेंट में मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है जो है अपना ये सब्जेक्ट, एंड ड्यू फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस जो होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला पार्ट जो है अपना दूसरा सब्जेक्ट। सो आपको मजा आएगा। प्राची जी, आपको आई होप वॉइस का इश्यू क्लियर हो गया होगा, प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए, अदरवाइज वी विल टेल अ टेक्निकल टीम। यस, एफएम लेक्चर वाईटी पर भी अवेलेबल है क्या सुबह का? यस वैशाली, द एफएम लेक्चर ऑफ मॉर्निंग विल बी अवेलेबल ऑन वाईटी लेक्चर। बट तूने तो अटेंड किया था ना, या पेंडिंग था तेरा? वैसा चलो। सो ये मेरा एक्सपोजर है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर। लास्ट डेकेड, डेकेड मतलब 10 साल से ज्यादा हो गए हैं मेरे को कॉस्टिंग एफएम इंटर और फाइनल दोनों में पढ़ाते हुए। सो एक डेप्थ के साथ आऊंगा। हाँ प्राची, बट देखो आवाज आ रहा है ना अभी, लैपटॉप में देख, जिसमें भी देख रही है कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप द वॉइस इज प्रीटी मच क्लियर। यस, सो दैट्स द सिनेरियो। अपने को पढ़ना है ये सब्जेक्ट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, विच इज ऑफ 100 मार्क्स, विच इज अ पेपर नंबर 4 ऑफ योर सिलेबस एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ व्हेन आई से इंपॉर्टेंट, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, व्हाई? बिकॉज ये 100 मार्क्स में से अगर शिद्दत से अपन लोग ने प्रिपरेशन किया तो आपको 100 out of 100 भी आ सकता है। क्या सर आपके कोई स्टूडेंट को आया है? एंड माय आंसर इज यस। मेरा एक स्टूडेंट है मिस्टर अरिन रांका एंड वी आर प्राउड टू टेल यू ऑल दैट ही सिक्योर्ड 100 out of 100 इन दिस सब्जेक्ट। तो अगर वो कर सकते हैं, डेफिनेटली आप भी कर सकते हैं। तो उन्होंने भी मेरे से ऑनलाइन लेक्चर्स ही लिए थे, उन्होंने भी मेरे से रिकॉर्डेड लेक्चर्स लिए थे। इनफैक्ट वो तो गूगल ड्राइव के स्टूडेंट थे एंड यस ही वॉज फ्रॉम भिलवाड़ा एंड ही सिक्योर्ड अ गोल्डन 100 out of 100। सोचो ना यार, क्या बंदे को फील आया रहेगा ना। आप लोगों को भी चाहिए ऐसा फील? सच्चे से बोले, चाहिए ना, चाहिए ना।
जरूर मिलेगा, यू डोंट हैव टू वरी फॉर दैट। बस फोकस करते जाना है, जो जो मैं आप लोगों को पढ़ाते जा रहा हूं बस उसको अगर आप लोग ने बराबर से ध्यान दे दिया ना, देन इन दैट केस डेफिनेटली वी विल बी एबल टू कैच इट अप। ओके, तो टारगेट अब अपने को पता चल गया है। अब इसमें भी एक पेपर पैटर्न है, एक पेपर का स्टाइल है, तो वो अपन लोग पहले समझेंगे, ठीक है, एंड देन वी विल टेक थिंग्स फॉरवर्ड। बहुत सारे मैं आप लोगों के साथ एग्जाम्पल शेयर करने वाला हूं इस सब्जेक्ट में, सो बी रेडी फॉर अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स टू कम। सबसे पहले व्हाट इज गोइंग टू बी द पेपर स्टाइल ऑफ दिस सब्जेक्ट। तो जब मैं बोलता हूं पेपर स्टाइल, इसका मतलब क्या होता है सर? पेपर स्टाइल का मतलब होता है कि सर कितने मार्क्स का प्रैक्टिकल आएगा एंड कितने मार्क्स का थ्योरी आएगा। एंड लेट मी टेल यू द डिविजन इज वेरी क्लियर दैट अप्रोक्सीमेटली 80% पेपर इज गोइंग टू बी प्रैक्टिकल ओरिएंटेड एंड अप्रोक्सीमेटली 20% थ्योरी। तो सर 20% थ्योरी आता है तो ये अरिन रांका को 100 out of 100 कैसे आ गया? तो मैं आपको बता दूं, शायद उसका पेपर अभी मेरे पास होगा तो आई जस्ट ट्राई टू शेयर इट विद यू। उसने वो जो थियोरी वाला पार्ट था ना, उसके पेपर में ऑप्शन में वो निकल गया, तो उसने पूरा प्रैक्टिकल अटेम्प्ट किया और प्रैक्टिकल में फुल आउट ऑफ फुल उसको मिला। सो वैसा सिनारियो है, तो अपन भी दोनों ही करेंगे अपन तो। एंड आजकल इंस्टीट्यूट क्या करती है बताया, इंस्टीट्यूट बड़ी ही शानी हो गई है। इंस्टीट्यूट करती है बीच बीच में प्रैक्टिकल क्वेश्चन के बीच में थियोरी। सो मैं आप लोगों को साथ एक बार फटाफट पेपर पैटर्न डिस्कस करता हूं, मैं आप लोगों के साथ एक बार पेपर पैटर्न डिस्कस करता हूं। सर का टेलीग्राम ग्रुप है क्या कोई? हर्षित सब शेयर करूंगा, डोंट वरी। सो मेरा टेलीग्राम ग्रुप या और भी कोई ग्रुप है जहां पे आप लोग डाउट पूछ सकते हो, एवरीथिंग विल बी शेयर्ड विद यू, डोंट वरी। तो मैं बोल रहा था आप लोगों को पेपर पैटर्न के बारे में। सो पेपर पैटर्न कुछ ऐसा है कि सिंस दिस इज अ 100 marks पेपर, पेपर 4, तो इसका पेपर पैटर्न कुछ ऐसा है। फर्स्ट देयर विल बी MCQs, ऑब्वियसली देयर इज अ प्रॉपर डिविजन ऑफ 30-70, सो 30 marks का MCQs आएगा एंड 70 marks का डिस्क्रिप्टिव आएगा, 70 marks का डिस्क्रिप्टिव आएगा। सो यहां पे देखो, ये जो 30 marks है ना, ये जो 30 marks है ना, इसमें यूजुअली 3 to 4 questions आपको मिल जाएंगे, ठीक है, 10 marks, एंड उसके अंदर इंटरनली 1 to 2 marks के questions आ सकते हैं। तो क्या होगा पता है, मैं आपको बताता हूं, एक केस स्टडी पूछेंगे, बोलो केस बेस्ड सिनारियो डालेंगे आपके सामने, और वो केस बेस्ड सिनारियो को आंसर करके आप लोगों का पूरा एमसीक्यू हो जाएगा। अब ये जो केस बेस्ड सिनारियो, ये क्या है, ये फ्रेंकली स्पीकिंग ये 80% जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं ना, ये वही है। तो इंस्टीट्यूट पहले क्या करता था, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते थे अपने को सॉल्व करना पड़ता था, अब उसमें से कुछ पार्ट इंस्टीट्यूट एमसीक्यू लेवल पे भी पूछ रहा है, समझे, वैसा है। दूसरा इसका है डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव है अप्रोक्सीमेटली 7 marks का। तो मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल हो सकेगा तो इंस्टीट्यूट का देखो एक पेपर भी आप लोगों को बता देता हूं, ICAI.org पे आपको जाना है, एंड यहां से आपको इंस्टीट्यूट का भी पेपर मिल जाएगा, विच आई कैन जस्ट शो इट टू यू, सो दैट आप लोगों को उसका भी आइडिया आ जाए दैट हाउ डज द पेपर लुक लाइक। सो जस्ट अ मोमेंट, यू कैन जस्ट शेयर द पेपर विद यू, सब मेरे पास ओपन है, एंड LL शो। सो यहाँ पे आप लोगों को वो चीजें मिलती है, आई एम श्योर फाउंडेशन अगर आप लोगों ने पास किया है तो आप लोगों को पता होगा ही, एंड अगर आप लोग इंटर वाले हैं, डायरेक्ट एंट्री वाले हैं, तो भी आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे चीजें होती है। सो ये देखो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ये है पेपर, तो ये देखो ये 70 मार्क्स कैसे इंस्टीट्यूट ने डिवाइड किया है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंपलसरी होगा, कंपलसरी आपको क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट करना ही है, बाद में क्वेश्चन नंबर 2 to 6 में से आपको कोई भी एक अटेम्प्ट करना है। ये देखो ये है इंस्टीट्यूट का पेपर जो आता है, क्वेश्चन पेपर कंप्राइजेस ऑफ 6 questions, क्वेश्चन नंबर 1 विच इज कंपलसरी एंड एनी 4 out of the remaining 5 questions। तो ये इनका
पूरा का पूरा फॉर्मेट होता है। ये देखिए, ये इनका क्वेश्चन नंबर वन है जो होगा अप्रोक्सीमेटली 14 मार्क्स के लिए। यस, सो क्वेश्चन नंबर वन सी लिखा है, सी मतलब कंपलसरी एंड दिस इज गोइंग टू बी फॉर 14 मार्क्स। एंड बाकी के जो क्वेश्चन टू टू क्वेश्चन सिक्स है दे विल ऑल्सो बी फॉर 14 मार्क्स। इसमें से 2, 3, 4, 5, 6 इसमें से आपको करने हैं एनी फोर। तो 14 4s are 56 प्लस 14 70 और बाकी के ये 30 एडअप होके हो जाते हैं 100 मार्क्स। एडअप होके हो जाते हैं 100 मार्क्स। एनी डाउट्स एनीबॉडी? ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का पेपर पैटर्न। फिर बाद में आ जाते हैं अपन लोग नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। एंड नेक्स्ट पॉइंट है मेरा स्कोप ऑफ स्कोरिंग। स्कोप ऑफ स्कोरिंग मैं आपको बता दूं कि यहां पे अपने को फोकस करना है फॉर द गोल्डन नंबर एंड दैट इज 100 out of 100। यार एक अलग ही लेवल का आपको है ना गोल्ड मेडल मिलेगा इंस्टीट्यूट की तरफ से, आप समझ रहे हो। प्लीज ध्यान से करना, मजा आ जाएगा आपको ये सब्जेक्ट करने में अगर आपको इतना मिल सकता है तो। क्या बोलता है पब्लिक? राइट, ओके। अब इस सब्जेक्ट के लिए, यस, इस सब्जेक्ट के लिए व्हाट इज गोइंग टू बी आर प्रेपरेशन, क्या बुक्स लेंगे, क्या अप्रोच लेंगे, ये सारी बातें अब मैं डिस्कस करूंगा। चल अब आ जाते हैं मेन पॉइंट के ऊपर। यस, बुक्स। सर बुक्स कब तक आएंगी एंड सर बुक्स का क्या सिनारियो है? सो यू विल गेट द बुक्स मैक्सिमम विद इन 1 वीक। तब तक अगर आप लाइव हैं और अभी आपने लिया है देन इन दैट केस यू विल गेट द, यस, देन इन दैट केस यू विल ऑल्सो गेट द PDF। सो यू डोंट हैव टू वरी फॉर दैट एट ऑल। ठीक है, अब बुक्स की अगर अपन लोग ने बात की है तो आप लोगों को क्या क्या बुक्स मिलने वाली है तो आओ फटाफट उसका भी एक डिस्कशन करते हैं। तो बुक्स आपको दो तरह की मिलेगी, एक आपको मिलेगी ऑप्टिमाइज्ड बुक्स, ठीक है, और दूसरी आपको मिलने वाली है मैजिक बुक। दूसरी आपको मिलने वाली है मैजिक बुक। तो सर ये ऑप्टिमाइज्ड बुक में क्या होने वाला है? ये ऑप्टिमाइज्ड बुक तो है आप लोगों के लिए सब कुछ, गीता बाइबल कुरान द डिटेल्ड बुक, जी हाँ। और ये मैजिक बुक है आप लोगों की समरी बुक, क्योंकि एग्जाम टाइम पे इतना बड़ा पोर्शन कंप्लीट करना ऑब्वियसली इजी नहीं होगा, तो उसके लिए पहले से अपन लोग तैयारी करके चले ना, तो इसके लिए अपन लोग ने मैजिक बुक समरी बुक दी है। और ये ऑप्टिमाइज्ड बुक जो होने वाली है ना बेटा, वो होने वाली है आप लोगों की डिटेल्ड बुक। ये होने वाली है आप लोगों की डिटेल्ड बुक, ठीक है। इसमें कवरेज क्या होगा? वैसे तो दोनों में कवरेज तो होने ही वाला है एक्सक्लूसिवली, बट फिर भी मेजरली अपने को डिटेल्ड बुक एकदम अच्छी तरह से करनी है सो दैट समरी सही हो जाए। सबसे पहले है मॉड्यूल, इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल जो है मॉड्यूल ऑफ ICAI विल बी 100% कवर्ड। एंड जैसा मैंने FM में कहा था यहां पे भी बोल रहा हूं, अब अपना हर एक चैप्टर के बाद अपन लोग मॉड्यूल को गो थ्रू कर लेंगे। हो सकता है कि मॉड्यूल में कुछ अपने को अगर नया क्वेश्चन मिला इनकेस, या RTP MTP भी अपन गो थ्रू कर लेंगे, पास्ट पेपर्स भी गो थ्रू कर लेंगे, कुछ भी अगर नया मिला देन बी रेस्ट श्योर्ड ऑन द स्पॉट वो भी कर लेंगे। तो आपके अटेम्प्ट तक जो भी आया है वो सारी की सारी चीजें मैं 100% कवर करवाने वाला हूं क्लासरूम के अंदर इटसेल्फ, राइट। दूसरा RTP जिसको प्यार से बोलते हैं रिविजन टेस्ट पेपर्स, तो ये भी आपको लेक्चर्स के साथ ही कवर करवा दिया जाएगा। हाँ, अब आपके अटेम्प्ट के एक महीने पहले और एक इंस्टीट्यूट आपके अटेम्प्ट का RTP निकालेगी, उसके लिए मैं वो YouTube के ऊपर यूजुअली पुटअप कर देता हूं। फिर आता है MTP जिसको प्यार से बोलते हैं मॉक टेस्ट पेपर। फिर बाद में होता है PP मतलब पास्ट पेपर, तो मेरी बुक में आप लोगों को पास्ट पेपर का भी रेफरेंसिंग मिल जाएगा। एंड द लास्ट ऑब्वियसली इज द ओल्ड प्रैक्टिस मैनुअल। पहले ना एक प्रैक्टिस मैनुअल करके हुआ करता था, ठीक है, उसमें भी अच्छे क्वेश्चंस हैं जो इंस्टीट्यूट एग्जाम में पूछता है। तो मैं तो बोल रहा हूं भाई मेरे पास तो ये खजाना भी पड़ा है, क्यों ना मैंने ये भी इस बुक में डाल दिया हो। द आंसर इज यस। तो इन शॉर्ट अगर सर ऑप्टिमाइज्ड कर लिया तो अगर ऑप्टिमाइज्ड करके मिस्टर अरिन रांका को 100 out of 100 आ सकता है तो डेफिनेटली यार
आप भी किसी से कम नहीं है कि नहीं? यस एग्जैक्टली। तो चलो एक बार फटाफट ऑप्टिमाइज्ड को देख लेते हैं, एफएम वाले तो देख चुके हैं, बाकी स्टूडेंट्स जो ओनली यहां पे मेरे साथ, अगर आप लोग को बोलूं तो इंटर वाले हो तो आप लोगों के लिए भी आ जाएगा ये बुक, ठीक है? चलो आ जाओ। सो ये रहा द बुक दैट यू आर गोइंग टू गेट, ठीक है? नाउ हर एक चैप्टर के साथ होगा एक मोटिवेशनल कोट। आई रियली बिलीव दैट एंटरप्रेन्योरशिप इज अबाउट बीइंग एबल टू फेस फेलियर, मैनेज फेलियर एंड सक्सीड आफ्टर फेलियर। क्या बात है कि नहीं? फिर बाद में नीचे मार्क्स एलोकेशन है। अब ये मैंने ना ज्यादा एक्सटेंसिव नहीं रखा, ठीक है? ये इधर तक आया, इससे आपको एक आइडिया आ गया। उसके बाद भी अभी तो बहुत सारे अटेम्प्ट हुए हैं, उसके बाद का फिर बाद में मैंने लिखा नहीं, क्योंकि एक आइडिया मेरे को देना था कि कितने मार्क्स का क्या ओवरऑल आया है। सो वो देख के डोंट वरी, एवरीथिंग इज देयर। अब आ जाता है ये अपना स्टडी मेंटोर, ठीक है? जो एफएम में उसको पता है, जो अब आया है उसको मैं बता दूं कि आप लोगों का ये स्टडी मेंटोर इज योर फ्रेंड, इज योर फिलोसोफर, इज योर गाइड। ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट जो मैं तुम लोगों को यहां पे करवाने वाला हूं, वो कॉन्सेप्ट यहां पे मैंने लिख दिया है। बिकॉज होता क्या है कि जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ते जाता है, आप कॉस्ट का एग्जाम्पल, अकाउंट्स का एग्जाम्पल ले लो, टैक्स का, लॉ का, कोई भी सब्जेक्ट का एग्जाम्पल ले लो, स्टार्ट होता है ना तो अपने को सब चीजें याद रहती है, बट जैसे जैसे वो सब्जेक्ट आगे बढ़ते जाता है अपन लोग भूल जाते हैं कि यार क्या क्या इसमें हुआ था। देन इन दैट केस इट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम, बिकॉज अपन अगर भूल गए तो फिर बाद में वो कनेक्ट छूट जाता है। तो इसके लिए मैंने सारे कॉन्सेप्ट जो इस चैप्टर में है वो सब इधर लिख लिए, सो दैट साथ साथ में अपना टिक मार्क तुम लोग करते रहो एंड एवरीबॉडी इज इन सिंक्रोनाइजेशन। सर ई बुक इज नॉट इन द ड्राइव, आई विल आस्क द टीम टू पुट द ई बुक इन द ड्राइव, डोंट वरी। सो वो लोग पुट अप कर देंगे, ठीक है? सो ये है आपका स्टडी मेंटोर, ऑलराइट? इसमें जितने भी अपने क्वेश्चंस है ये सारे के सारे मैंने इंक्लूड कर लिए। ऑल यू हैव टू डू इज, जैसे ही आपका ये हो जाता है आपको क्या करना है, बस ये एक छोटा सा टिक मार्क डाल देना है, सो दैट यस ओके, सो दैट जैसे ही आप ये टिक मार्क डाल दो फिर बाद में आपका काम हो गया। तो जब ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ जैसे ही मेरा ये सम हो गया, फॉर एग्जांपल मेरा क्वेश्चन 18 हो गया, अब ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप इसको टिक मार्क डाल दो। हो सकता है मैं आपको बोल दूं कि क्वेश्चन नंबर 19 होमवर्क है, भाई थोड़ा बहुत होमवर्क भी देंगे, तो हो सकता है मैं आपको बोल दूं क्वेश्चन नंबर 19 होमवर्क है, तो आपको इधर लिख देना है होमवर्क। जैसे ही आपका ये होमवर्क हो जाए उसके नीचे आपको टिक मार्क डाल देना है। फिर जब आप खुद से रिवाइज करोगे तो ये और एक टिक मार्क। अगर आपको 100 out of 100 चाहिए देन इन दैट केस अरिन रांका का बुक दिखाता हूं, पूरा का पूरा उसका तो टिक मार्क से भरा हुआ था। तो मेहनत करोगे तो फल मिलेगा, एकदम सिंपल हिसाब है लाइफ का बॉस, सीरियसली बोल रहा हूं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जितना अच्छा प्रैक्टिस करोगे उतना आप लोगों को बेनिफिशियल होते जाएगा। ओके गाइस, सो दैट इज द यू कैन से द स्टडी मेंटर फॉर योर परफॉर्मेंस एनालिसिस। मैं तो इसको एक परफॉर्मेंस एनालिसिस पिरामिड बोलता हूं कि भाई इससे आपको पता चलते जाएगा कि आप कितना पानी में, भाई एक बार तो टिक सर के साथ आ गया, उसके बाद खुद ने कितना मेहनत किया। और एक चीज इसका इंपॉर्टेंस है, अगर आपको लग रहा है करते हुए कि सर ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार मैं भी आपको बताऊंगा कि अरे सुनो मेरे को लग रहा है ये वाला क्वेश्चन है ना एग्जाम में आ सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको ऐसे हाईलाइट कर सकते हो। एग्जाम के दिन पे सीधा आओ, ये क्वेश्चन देखो जो हाईलाइट किया हुआ है, बस उतना कर लो तो भी सफिशियंट है, क्योंकि बाकी तो आपको आता है, ये थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस थे तो ये भी आप लोग ने साथ साथ में कर लिए। गॉट इट गाइस? तो ये हो गया स्टडी मेंटोर। स्टडी मेंटोर के बाद हर चैप्टर में आपको मिलेगा समथिंग कॉल्ड एज अ प्रीव्यू। ये प्रीव्यू आपको बताएगा कि भाई अपन लोग इस चैप्टर में क्या क्या चीजें करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन, एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन, कॉस्ट हेड्स इन द कॉस्ट शीट, फॉर्मेट क्या होने वाला है, ट्रीटमेंट क्या होगा, एडवांटेज क्या होगा, ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी प्रीव्यू में, ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी प्रीव्यू में। और फिर स्टार्ट होता है हमारे थ्योरी कॉन्सेप्ट्स। थ्योरी कॉन्सेप्ट्स को भी देखो डायग्रामेटिकली मैंने रखा है सो दैट पढ़ने में मजा आए। आप लोगों को अगर इधर चेयर दिख रही है तो चेयर किससे बनी है, वुड। वुड क्या है, डायरेक्ट मटेरियल। खाली एक आइडिया दे रहा हूं कि पिक्टोग्राफिक है। मेरे को एक बात बताओ कि आप लोग ने कोई बुक पढ़ी और वही बुक की एक मूवी देखी, कौन सी चीज आपको ज्यादा याद रहती है, सच्ची सच्ची बोलना, ठीक है? 3 घंटा एक आपने बुक पढ़ी और आप लोग ने 3 घंटा एक बुक पढ़ी और उसे की मूवी देखी, कौन सी चीज याद रहेगी? मूवी याद रहेगी, क्यों? क्योंकि सामने पिक्चर्स है, पिक्चर याद रहता है कि नहीं? सो इसके लिए जहां जहां पे जरूरत पड़ा है मैंने
यस, मूवीज याद रहती है, करेक्ट सर। तो जहां जहां पे पॉसिबल है वहां पे अपन ने ये पिक्टोग्राफिकली भी बताया है। और लास्ट में मैंने क्या क्या है पता है आप लोगों को, मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लिया है। ये देखो, ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है मोबाइल फोन का। इस मोबाइल फोन के अंदर ये सारी चीजें जो है ना, उसको मैंने आइडेंटिफाई कर दिया है एज अ कॉस्ट। खाली एक बात बता रहा हूं आपको कि बुक सोच समझ के बनाई है, मजा आएगा ये बुक को करने में। इस तरह से मैंने ये बुक को प्रिपेयर किया है। एंड लास्ट में आता है आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एंड आंसर्स। सो यहाँ पे आप लोग अगर नोट करोगे तो ये देखो, पहले पूरी की पूरी थियोरी आ गई। ये अपन लोग ने देखो यहाँ पे जो भी थियोरी है ये इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल का ही थियोरी है। सो यू डोंट हैव टू वरी, इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल आपको देखने की भी जरूरत नहीं है। तो ये पूरी इधर थियोरी आ गई। इस थियोरी के बाद अगर मेरे को लग रहा है कि यार कॉस्ट शीट का फॉर्मेट देना है, तो मैंने यहाँ पे देखो ये कॉस्ट शीट का पूरा फॉर्मेट दे दिया है। ये पूरे कॉस्ट शीट का इधर यानी फॉर्मेट दे दिया है, समझ रहे हो। और फिर बाद में आते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन एंड आंसर्स। ये रहे मेरे प्रैक्टिकल क्वेश्चन एंड आंसर्स, प्रैक्टिकल क्वेश्चन एंड आंसर्स, प्रैक्टिकल क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो ये सारी चीजें, ये सारी चीजें यहां पे आप लोगों को क्लियरली एविडेंटली दिख जाएगी। एंड लास्ट में क्या है पता है आपको, समरी ऑफ द होल चैप्टर। ठीक है, तो एग्जाम टाइम पे ठीक है ना, देखो क्या होगा पता है, फर्स्ट रिवीजन में तो आप सब चीजें पढ़ोगे, सेकेंड रिवीजन में आपको ये समरी की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ेगी, है कि नहीं। और उसका फॉर्मेट भी आ गया। तो बेसिकली क्या क्या आप लोगों को लग रहा है बुक्स में कवर्ड है, तो ये आप लोगों को मिलने वाली है ऑप्टिमाइज्ड की बुक्स। ये आपको मिलने वाली है ऑप्टिमाइज्ड की बुक्स। इस बुक्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है, बहुत सारे मोटिवेशनल कोट्स, बहुत सारे मोटिवेशनल कोट्स। उसके बाद में एक ट्रेंड आपको पता चलेगा कि भाई क्या चल रहा है, कितने मार्क्स का क्या आता है। फिर बाद में मैं आपको दे रहा हूं स्टडी मेंटोर, ये है आपका फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड, ये बताएगा आपका परफॉर्मेंस एनालिसिस, योर परफॉर्मेंस एनालिसिस। फिर बाद में आता है आपका प्रीव्यू, बराबर। फिर बाद में मैंने आपको बोला था कि देखो पूरा के पूरे सब्जेक्ट का जो भी थ्योरी कॉन्सेप्ट्स है, फॉर्मूलाज है, ये सारी चीजें आपको एक ही बुक में एक ही जगह पे मिल जाएगी। ये देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन एंड आंसर्स भी, ऑलराइट। एंड देन फाइनली द द द समरी, और एमसीक्यूज के लिए कुछ आप लोगों को मिलेगा स्पेशल, स्पेशली आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मैं सॉल्व करवाऊंगा एमसीक्यूज ऑन अ रेगुलर बेसिस। अच्छा, आप लोगों को और एक गुड न्यूज दे दूं कि ये जो थियोरी फॉर्मूला प्रैक्टिकल क्वेश्चन आंसर्स है, इसमें जैसा मैंने आपको बताया मॉड्यूल आरटीपी एमटीपी पास्ट पेपर हर एक चीज कवर्ड है। जी हाँ, ओके। चलो इसके बाद आप लोगों को मिलेगी एक समरी बुक, जिसको मैंने नाम क्या दिया है, मैजिक बुक। क्यों इसको मैजिक बुक नाम दिया है सर, ये आपको पता चलेगा जब आप एग्जाम टाइम पे 1.5 डेज में पूरा ये सब्जेक्ट कवर कर लोगे वो बुक से, तो आपको सच्चा लगेगा अरे यार सर ये तो जादू हो गया, वाह क्या बात है। तो मैजिक बुक इज नथिंग बट समरी वर्जन ऑफ ऑप्टिमाइज्ड बुक, समरी वर्जन ऑफ ऑप्टिमाइज्ड बुक। ठीक है, ओके। अब ये मैजिक बुक को ही यूज करके मैं बनाऊंगा मेरे रिवीजन लेक्चर्स। जी हाँ, सो ये मैजिक बुक को यूज करके मैं बना दूंगा मेरे रिवीजन लेक्चर्स। सर उन एग्जाम के लिए ओनली ऑप्टिमाइज्ड अच्छे से किया तो इनफ है क्या? अगर ऑप्टिमाइज्ड को अच्छे से किया तो 100 आउट ऑफ 100 की तो मैं गारंटी ले सकता हूं, उससे ज्यादा चाहिए तो अब मैं क्या बोलूं, समझ गई ना? यस, मोर देन सफिशियंट है बेटा। और मैं बोल रहा हूं देखो, उसके बाद मॉड्यूल को भी अपन लोग एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे, सो दैट आप लोगों को उधर भी एक बार तसल्ली मिल जाए, हाँ हो गया सब चीज। तो आपको एक ही बुक रिफर करनी है। कई बार सीए में क्या होता है पता है, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, अरे तूने ये भी किया क्या, कोई आपको फ्रेंड आके लाइब्रेरी में कुछ और बोल देगा, कोई और कुछ बोल देगा, यू विल गेट कंफ्यूज। तो उससे अच्छा मैं ही आपको क्लास में हर एक चीज क्रॉस चेक करवा दूंगा, सो दैट यू आर कॉन्फिडेंट फॉर दिस सब्जेक्ट, क्या बोलते हो? तो यही सेम चीज, कॉस्टिंग हो या एफएम, वी आर गोइंग टू फॉलो द सेम मेथोडोलॉजी।
कि भाई अपनी ऑप्टिमाइज इतनी अच्छी हो कि उसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़े अपने को. ठीक है, सो डिविजन लेक्चर्स आएंगे ऑन यूट्यूब. अच्छा सर, डाउट्स पूछना हुआ तो हम लोग क्या कर सकते हैं? तो डाउट्स आप मेरे को डायरेक्टली, एक तो मेरा टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मैं तुम लोगों को दे दूंगा, मेरी टीम को बोल के तुम लोगों को व्हाट्सएप आ जाएगा, एंड तुम लोग मुझे व्हाट्सएप आई मीन तो हाँ तुम लोगों को टेलीग्राम का लिंक भी दे देंगे, और तुम लोग मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हो 9819201 4 7 3 4 7 3. ठीक है, डन. चल डन, ओके. जैसा एफएम वालों को बोला यार, तुम लोग भी कर लेना एक काम, क्या मेरे को व्हाट्सएप करोगे ना, आई एम अपना नेम फ्रॉम अपना लोकेशन, आई एम संकल्प कांस्टिया फ्रॉम मुंबई, यहां पे आपको लिखना है लोकेशन, एंड रेडी टू स्कोर 100 मार्क्स इन कॉस्टिंग, ये लिख के दोगे ना, ठीक है, या तो इंस्टा की स्टोरी पे टैग कर दो तो भी चलेगा, क्या बोलते हो? बस कहीं ना कहीं ये मैनिफेस्टेशन होना चाहिए, कहीं ना कहीं ये मैनिफेस्टेशन होना चाहिए. यस, ओके. इन कॉस्टिंग एंड जो एफएम है तो इन कॉस्टिंग एंड एफएम, दो 150 मार्क्स लिख सकता है यहां पे. इंस्टा डिलीटेड, ये लाइफ में बहुत आगे बढ़ेगा भाई, ये बंदा लाइफ में बहुत आगे बढ़ेगा. अभिषेक अरोड़ा, अभिषेक एंड उसकी बहन साथ में देख रहे हैं, तो प्रियंका ने भी डिलीट कर दिया अभिषेक, वेरी गुड, कीप इट अप यार. आज की तारीख में जो बंदा सोशल मीडिया पे नहीं है, समझ लो वो जीत गया. मेरी तरफ से आपको एक सलाम, गुड जॉब. चलो ग्रेट, अब आ जाते हैं अपन लोग सब्जेक्ट के बारीकी के ऊपर, यानी इंस्टा डिलीटेड. अरे वाह यार अर्पिता, ग्रेट, क्या बात है यार, मेरे पास कितने होनहार बच्चे हैं, आई एम सो हैप्पी. ट्रस्ट मी, यू आर द काइंड ऑफ पीपल हु विल गेट अ रैंक इन द एग्जामिनेशंस, आई गारंटी दैट टू यू, कीप इट अप, नाइस. चलो अब अपन आ गए हैं सब्जेक्ट के ऊपर. सो अपन पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. मैंने इसको 4 फेजेस में डिवाइड किया है, जैसे मैंने आप लोगों को एफएम में बताया था. एफएम में मैंने 3 9 चैप्टर्स है, तो 9 / 3 फेजेस में डिवाइड किया है, 3 3 में. वैसे यहां पे मैंने जो डिवाइड किया है वो अप्रोक्सीमेटली 4 फेजेस में डिवाइड किया है, बट इंस्टीट्यूट का डिविजन कैसा है वो भी मैं बता देता हूं, सो दैट तुम लोग कंफर्टेबल रहो. इंस्टीट्यूट ने, जब तुम्हारे पास इंस्टीट्यूट का बुक घर पे आएगा तो तुम लोग नोट करोगे तुम्हारे पास 2 मॉड्यूल आ रहा है, 1 is module 1 एंड द अदर इज module 2, 1 is module 1 एंड द अदर इज module 2. मॉड्यूल 1 में अप्रोक्सीमेटली 7 चैप्टर्स है, मैं आपको सीक्वेंशियली बता देता हूं, तुम लोग भी चाहिए तो लिख सकते हो. फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सेकेंड मटीरियल कॉस्ट, ओके, थर्ड लेबर, फोर्थ ओवरहेड, फिफ्थ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जिसको अपन प्यार से बोलते हैं एबीसी, सिक्स्थ कॉस्ट शीट, एंड सेवेंथ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, है ना, डन. सो 1 chapter 2 3 and 4 and 5 and 6 and 7,
फिर आता है मॉड्यूल टू। तो जब आप मॉड्यूल टू ओपन करोगे तो आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 8 एंड उसका नाम दिया है यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग। पहले यहां पे कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ करता था तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग भी पढ़ते थे, बट अभी इंस्टीट्यूट ने उसको साइड पे रखा हुआ है। यू नेवर नो, वापस से भी आ सकता है। सो कुछ ऐसा होता है तो आई विल बी टेकिंग इट टू यू, डोंट वरी। यूनिट एंड जॉब कॉस्टिंग, फिर यूनिट एंड बैच, फिर है जॉब, फिर 10th चैप्टर है प्रोसेस, 11th चैप्टर है जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट्स, 12th चैप्टर है सर्विस सेक्टर कॉस्टिंग, इसको ऑपरेशनल कॉस्टिंग भी बोलते हैं, 13th चैप्टर है मार्जिनल, 14th है स्टैंडर्ड एंड 15th है हमारा बजटरी। ओके, सो मेरा नेक्स्ट चैप्टर है मार्जिनल, मार्जिनल के बाद स्टैंडर्ड, ओके सॉरी, पहले स्टैंडर्ड है फिर मार्जिनल है। सो पहले वी विल राइट डाउन स्टैंडर्ड, 14th चैप्टर विल बी मार्जिनल एंड 15th चैप्टर विल बी बजटरी। समझ में आ गया गाइस? ठीक है, अब इसको मैं मेरे स्टाइल में कैसे डिवाइड करता हूं देखेंगे अपन। ठीक है, ये टोटल 15 चैप्टर्स अपने को करने हैं, ठीक है ना। ये तो इंस्टीट्यूट का स्टाइल हो गया, अब बाबूराव का स्टाइल देखो रे बाबा। सो अपन इसको डिवाइड कर देंगे चार चक्री में, चार चक्री इस तरह से डिवाइड किया है, 25% 25% 25% 25%। तो उसमें एक चक्री में बहुत क्लियर है कि स्टैंडर्ड, मार्जिनल, बजटरी, ये तीनों के तीनों यहां पे आ जाएंगे आपके एक फेज में। ठीक है, तो इसको मैं डाल देता हूं फेज 4, बिकॉज वो चैप्टर भी अगर तुम लोग नोट करोगे तो चैप्टर 13, 14, 15 है। तो ये हो गया मेरा फेज 4। क्या क्या आता है इसमें बेटा? इसमें आता है स्टैंडर्ड, इसके अंदर आता है मार्जिनल और इसके अंदर आता है बजटरी। ठीक है, फिर बाद में एक फेज 1, फेज 2, फेज 3। तो ये एक आपका हो गया पूरा का पूरा फेज 4। फिर फेज 2 में, चलो फेज 1 में अपन लोग ले लेते हैं चार चैप्टर, कॉस्ट शीट। ठीक है, एक सेकेंड, कॉस्ट शीट, मार्जिनल, स्टैंडर्ड, बजटरी, दिस इज गोइंग टू बी फेज 1। सो कॉस्ट शीट, स्टैंडर्ड, मार्जिनल एंड बजटरी, गॉट इट। फिर बाद में आता है मेरा फेज 2, मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट फेजेस है ये फेज 1 और फेज 4। ये अगर 7 चैप्टर कर लिए ना, मैं आपको बोल रहा हूं इतने हाई लेवल के मार्क्स आते हैं ना इसमें से, आपको बता नहीं सकता मैं। ओके, फिर बाद में आता है मेरा नेक्स्ट फेज, यहां पे मैं ले लेता हूं कुछ सिंपल से चैप्टर्स, जैसे कि है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ये मैंने क्या लिख दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, कॉस्ट शीट के साथ स्टैंडर्ड, मार्जिनल और बजटरी लिख दिया। देखो मैं इतना घुस गया हूं इन तीनों चैप्टर्स में कि मैं यहां पे लिखना चाहिए था कॉस्ट शीट के साथ मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स। ठीक है, ठीक है, डन। फिर बाद में आता है एबीसी, ओके, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, कॉस्ट, अकाउंटिंग सिस्टम, यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग, यूनिट नहीं, यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग एंड लास्ट इज जॉब कॉस्टिंग। अब जो बच गया वो जाएगा फेज 3 में। प्लीज तुम लोग भी ये फेज बना के रखना, इसका इंपॉर्टेंस शायद आज ना पता चले
बट धीरे धीरे तुम लोग को रियलाइज होगा कि यार क्या सही तरीके से अपन ने ये फेजेस को बनाया है। एंड पढ़ाई भी तुम लोग इस फेज के हिसाब से करना। ऐसा सोचोगे ना कि पूरा का पूरा कॉस्टिंग करना है तो 15 चैप्टर बहुत हैवी लगेगा, बट जब ये फेज में डिवाइड हो गया है ना, अब ट्रस्ट मी बहुत ही इजी लगेगा, अच्छी तरह से आप लोगों का हो जाएगा। यहाँ पे अब मेरे पास आता है प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट, सर्विस सेक्टर एंड चैप्टर नंबर वन। तो चैप्टर नंबर वन को मैं यहां पे ही रखूंगा फेज टू में, सॉरी। इधर मैं रखता हूं इसको चैप्टर वन को। चैप्टर वन क्या है? इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग। डन। सो दिस इज हाउ द फोर फेजेस हैव बीन डिवाइडेड, फेज वन, फेज टू, फेज थ्री, फेज फोर। ओके, ठीक है। अब आ जाते हैं अप्रोच के ऊपर, अब आ जाते हैं अप्रोच के ऊपर। क्या अप्रोच रखने वाले हैं अपन इस सब्जेक्ट के लिए? मैंने आपको क्या बोला, कोई भी सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊं तो उसका अप्रोच तो यही होने वाला है, भले ही इंटरमीडिएट में हो तुम लोग मेरे साथ, जब फाइनल में भी आओगे तुम लोग नोट करोगे, अरे अप्रोच तो यही है। और क्या है वो अप्रोच बेटा? एग्जाम्पल से सबसे पहले अपन कनेक्ट करेंगे रियल लाइफ के साथ, फिर बाद में आ जाएंगे अपन लोग कॉन्सेप्ट के ऊपर, एंड कॉन्सेप्ट से डिराइव करेंगे फॉर्मूलाज, और फॉर्मूला से आगे आते आते आ जाएंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन एंड आंसर्स के ऊपर। व्हाट से पब्लिक, यस और नो? करेक्ट करेक्ट, प्रैक्टिकल Q&A, करेक्ट। डन। सो दिस इज गोइंग टू बी आवर अप्रोच। तुम लोग नोट करोगे हर एक चीज का मेरे पास 2 से 3 एग्जाम्पल है मिनिमम। वहां से खुद ही तुम लोग बात करते करते, एग्जाम्पल सॉल्व करते करते कॉन्सेप्ट आ जाएगा, फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे, एंड फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन एंड आंसर डिराइव करेंगे फॉर्मूलास। बॉस ये तो अलग ही लेवल का, आप लोगों को देखना नशा चढ़ेगा जब फॉर्मूला को डिराइव करोगे आप, मजा आ जाएगा। चलो ठीक है।
ओके अब मैं क्या बोल रहा हूं आप लोगों को, एक स्टूडेंट टीचर का एक तालमेल अच्छा होना चाहिए, है ना। भले ही आप गूगल ड्राइव स्टूडेंट हो, भले ही आप लाइव के स्टूडेंट हो, वैसे मैं आपको बता दूं, ये जो भी मैं लिख रहा हूं ये सारा का सारा गूगल ड्राइव के ऊपर अपलोड होगा, तो आप लोगों को उस चीज का टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। एवरीथिंग विल बी अपलोडेड ऑन द गूगल ड्राइव फॉर श्योर। यस सो एग्जाम्पल कॉन्सेप्ट डिराइव फॉर्मूला प्रैक्टिकल Q&A। हाँ मैं क्या बोला था आप लोगों को कि भाई एक स्टूडेंट का और प्रोफेसर का एक तालमेल होना चाहिए, तो कुछ आपकी एक्सपेक्टेशंस होंगी है कि नहीं, कुछ मेरी भी एक्सपेक्टेशंस होंगी है कि नहीं। क्यों ना ये दोनों एक्सपेक्टेशंस आज ही लिख ले पहले ही दिन पे। तुम लोग ने कभी किसी की शादी होते हुए देखा है, तो शादी में ना सात फेरे लेते हैं, ठीक है। हम शादीशुदा है तो आपको बता रहा हूं, तो हम शादी में सात फेरे लेते हैं, ठीक है। उसमें हम बोलते हैं कि भाई ये कुछ चीजें एज अ हस्बैंड मैं करूंगा, कुछ चीजें एज अ वाइफ वो करेगी, और हम दोनों का मेल मिलाप वहां पे हो जाता है कि भाई एक बोलते ना वी बोथ अग्री टू ईच अदर। वैसा ही कुछ आप लोग भी यहाँ पे मेरे साथ कुछ प्रोमिसेस लेंगे, मैं भी आप लोगों के साथ कुछ प्रोमिसेस लूंगा, एंड लेट्स अधियर टू इट। सो एक स्टूडेंट प्रोफेसर कनेक्ट होना चाहिए, मानते हो कि नहीं। तो आप लोगों को सबसे पहली चीज जो चाहिए वो आप लोगों की है, एंड दैट इज मेक द लेक्चर इंटरेस्टिंग। सर मेक द लेक्चर इंटरेस्टिंग, एंड द जवाब इज गोइंग टू बी 200% यस, एवरी लेक्चर विल बी ओके। दूसरा तुम लोग बताओ, चलो तुम लोग के कुछ एक्सपेक्टेशंस तुम लोग भी बताओ क्या है, ये सब्जेक्ट करने के लिए आए हो भाई, फीस दिया है भाई, 100 मार्क्स मिलने वाला है, तो क्या कुछ तो सोचा होगा तुम लोग ने। बोलो प्रैक्टिकल नॉलेज, वेरी नाइस हर्षित, गुड गुड पॉइंट, थैंक यू कि किसी ने ये पॉइंट बोला, बहुत अच्छा लगा मुझे। चलो ओके गुड। सो सर बीच बीच में ब्रेक देना, वाह क्या एक्सपेक्टेशंस है मेरे भाई, वाह। सो इधर मैं लिखता हूं प्रैक्टिकल नॉलेज। सर कोई होमवर्क क्वेश्चन दो तो उसको अपन डिस्कशन कर लेंगे। चलो वेरी गुड पॉइंट। सो होमवर्क देखो, वैसे तो होमवर्क क्वेश्चन का तुम लोगों को सारा का सारा मिल ही जाएगा। सॉन्ग्स भाई, तू अरिजीत सिंह के क्लास लेक्चर में आया या कॉस्टिंग के लेक्चर में आया भाई? सुन मितवा ओ मितवा, तुझको क्या डर है रे, ये धरती अपनी है अपना अंबर है रे, तू आ जा रे। चल भाई होमवर्क क्वेश्चन, या जिसको अपन लोग बोल देंगे डाउट सॉल्विंग। ओके ओके टेस्ट आफ्टर चैप्टर कंप्लीशन, वेरी नाइस। टेस्ट्स आफ्टर चैप्टर कंप्लीशन, ओके इज वेरी गुड। फिर सर कुछ मोटिवेशन या स्टडी टिप्स देते रहना, हाउ टू राइट थ्योरी क्वेश्चन। तो चलो सर मोटिवेशन, स्टडी टिप्स राइट, हाउ टू राइट द पेपर, वेरी नाइस। टू मेक डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स इजी, क्या बात है यार, टू मेक डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स इजी, ठीक है। अब मैं मेरी एक्सपेक्टेशन बोलू,
मेरी एक ही एक्सपेक्टेशन है, प्लीज अटेंड द क्लास रेगुलरली, और गूगल ड्राइव वालों से जैसे ही क्लास अपलोड हो प्लीज देख लो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बाकी सारी चीजें मुझे पता है मैं क्लास में कवर कर लूंगा। बट अगर कहीं पे तुम्हारा कंसिस्टेंसी या डिसिप्लिन छूटा ना, तो बहुत ज्यादा दूर हो जाओगे तुम इस सब्जेक्ट से। तो मेरे को वो चीज नहीं चाहिए किसी के भी पास, ठीक है? सो प्लीज मेरा एक ही एक्सपेक्टेशन है, बी डिसिप्लिन इन द लेक्चर, दैट्स इट। Be disciplined in the lectures, है कि नहीं? चलो ठीक है, अब हाँ और कुछ चीजें जो मुझे चाहिए, प्लीज एंश्योर देर इज रेगुलर टू वे कम्युनिकेशन। एक तरफा प्यार नहीं चाहिए भाई अपने को, रेगुलर कम्युनिकेशन या जिसको मैं बोलता हूं टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। मैं आपको कोई चीज पूछ रहा हूं उसका जवाब देना तो मजा आएगा, है ना? टू वे होना चाहिए कम्युनिकेशन। फिर जैसा मैंने बोला 100% अटेंडेंस रखना जितना भी लेक्चर्स है उसके अंदर। एंड लास्ट, प्रैक्टिस थ्रू होमवर्क एंड टेस्ट। प्रैक्टिस थ्रू होमवर्क एंड टेस्ट, ये सब चीजें अपन लोग करेंगे, सो डेफिनेटली जीत पक्की है, जीत पक्की है। डन चलो ठीक है। क्या आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ गई, अच्छी लगी आपको? डन। सो ये जो एक एक फॉर्मल स्टार्ट होता है वो मैंने दे दिया है। अब आ जाते हैं अपन लोग रियल चीज के ऊपर जो अपन पढ़ने हैं, जिससे अपने को मार्क्स मिलने वाला है, एंड दैट इज द स्टार्ट ऑफ अ चैप्टर। यस, फर्स्ट डे फर्स्ट सेशन पे ही अपन लोग चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। आर यू ऑल एक्साइटेड? डन 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 डन। तो देखो कौन पढ़ाने वाला है आपको, क्या आप उससे सेटिस्फाइड हैं, क्या आपके एक्सपीरियंस से सेटिस्फाइड है? 10 साल के ज्यादा का एक्सपीरियंस है कॉस्ट एफएम इंटर फाइनल में, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है 4 साल से ज्यादा का, स्टूडेंट को 100 out of 100 आया है, तो ये कॉन्फिडेंस आ गया आपको। पेपर पैटर्न आप लोग ने देख लिया, आप बोले कि ठीक है सर अपने को तो मेहनत करना है, पेपर पैटर्न कुछ भी हो एग्जाम में अच्छी तरह से सॉल्व करके आना है, फेयर इनफ। 100 out of 100 लाने का एक फोकस रखेंगे। अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हो तो प्रॉबेबली अगर आपको रैंक लाना है, दिस इज व्हाट इज गोइंग टू मेक इट पॉसिबल। बुक्स आपको जो मिलने वाली है उसमें ये सारी चीजें कवर होगी, और मैं ट्राई करूंगा कि हर एक चैप्टर के बाद आईसीआई का मॉड्यूल जो रिसेंट है उसको मैं आप लोगों के साथ क्रॉस चेक करवा लूं, या आप लोग भी घर पे बैठ के भी क्रॉस चेक कर लेंगे तो भी चलेगा। और समझो, हो सकता है भाई, देखो ह्यूमन बीइंग है अपन सब, अगर कोई चीज अपने को लग रहा है सर ये चीज ऐड हुई है या कोई मिस हो गई है, वो अपन क्लास का क्लास में ही कर लेंगे, क्या बोलते हो? डन डन। तो बुक के ऊपर भी अपने को कॉन्फिडेंस आ गया। देखो क्या होगा पता है क्या, क्लास में लेक्चर तो मैं बहुत अच्छी तरीके से ले लूंगा, हर एक चीज भी समझ में आ जाएगी, डाउट होगा वो भी तुम लोग पूछ लोगे, टेंशन नहीं है। बट इवेंचुअली एग्जाम के लिए तो खुद से रिवाइज कर ला, एक बार दो बार तीन बार, तो वो जब तुम लोगों को रिवाइज करना होगा तब आप लोगों का जो साथी है दैट इज योर बुक्स हैव टू बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग।
एंड ये अगर अपने अच्छे हुए देन इन दैट केस पढ़ने में मजा आएगा। तो बुक्स के लिए भी आप लोगों को कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि भाई सब चीजें जो अपने को चाहिए वो कवर हो रही है और ये अपना एक एक पैटर्न अपने को दिख रहा है अच्छा वाला, जिससे यस वी इट इज गोइंग टू बिकम इंटरेस्टिंग। एग्जाम के दिन पे जो लास्ट अपने को दो रिवीजन करने होते हैं, देखो टोटल तीन से चार रिवीजन करोगे आप, एग्जाम वाला रिवीजन और उसके पहले वाला रिवीजन के लिए हार्डली बहुत कम टाइम होता है। एग्जाम के दिन पे तो 1.5 डेज होता है और उसके पहले वाला जो रिवीजन है उसमें भी दो या तीन ही बार दिन होते हैं रिवाइज करने के लिए। तो वो टाइम पे जो बुक रिफर करनी है वो भी आज अपने पास रेडी है, उसके रिविजन लेक्चर्स भी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। डन। डाउट्स के लिए आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो और ये आप लोग मुझे मैनिफेस्टेशन आज भेज रहे हो, ठीक है, और ये इसको उसको करना है, ये मैनिफेस्टेशन लिख के जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन मुझे भेजना है साथ में। चैप्टर्स क्या क्या है, अपन उसको कैसे डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं ये भी मैंने आप लोगों को यहां पे अच्छी तरह से बता दिया है। अप्रोच अपना क्या होने वाला है, पहले एग्जाम्पल से कॉन्सेप्ट कनेक्ट करेंगे, आज ही आपको समझ जाएगा कि फॉर्मूलाज और प्रैक्टिकल क्वेश्चन एंड आंसर्स भी अपने हो जाएंगे। कुछ एक्सपेक्टेशंस आपकी, कुछ एक्सपेक्टेशंस मेरी, जब दोनों का मिल जाएगा साथ बन जाएगी अपनी बात। क्या बात, क्या बात, क्या बात। और अब अपन तैयार हैं स्टार्ट करने के लिए अपना फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है कॉशीट, कॉशीट, कॉशीट। एवरीबॉडी फोकस हियर। चलो भाई स्टार्ट करेंगे अपन कॉशीट, द चैप्टर नंबर वन ऑफ आर सिलेबस, अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। मैं आपको बताऊं कितने मार्क्स के लिए आता है ये, एवरी अटेम्प्ट 10 मार्क्स। सही सुना तुम लोग ने, एवरी अटेम्प्ट, एवरी अटेम्प्ट 10 मार्क्स फिक्स, कुछ भी कर लो 10 मार्क का आना ही आना है इसमें से। तो बॉस इतना इंपॉर्टेंट है अगर ये चैप्टर कि एवरी अटेम्प्ट 10 मार्क्स के लिए आ रहा है तो इसको एकदम अच्छी तरह से करना पड़ेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब मुझे एक बात बताओ यार, आप लोग सब लोग तो इंटरमीडिएट में हो, क्या आप लोग पैसा कमाते हो? और अगर नहीं कमाते हो तो आप लोगों को कोई खर्चा करना होता है तो आप कैसे करते हो, मुझे जरा बताना भाई। आप लोग सब लोग आई एम अज्यूमिंग कि अगर फाउंडेशन वाले हो, बच्चे हो फाउंडेशन वाले, देन इन दैट केस अब तक तो जॉब नहीं किया होगा। चलो डायरेक्ट एंट्री वाले होते हैं वो लोग ने भाई जॉब किया होता है तो वो लोग के पास यू नो अर्न करने का सोर्सेज होता है। व्हाट अबाउट यू गाइज, यू गाइज आर जस्ट इन कॉलेज, ना ही तुम लोग ने कोई अभी आज तक पैसा कमाया है, पर खर्चे तुम्हारे भी बहुत है। कॉलेज जाते हो ट्रैवलिंग का खर्चा हुआ, उधर जाए कुछ खाने का खर्चा हुआ, कभी बुक्स खरीदना है, कभी और खर्चे है, तो ये क्या करते हो तुम? अर्पिता बोल रही है कि सर हम लोग तो पेरेंट्स से लेते हैं, हम अच्छे बच्चे हैं। वेरी गुड। तो कहना इसे तुम लोगों को कुछ पॉकेट मनी मिलता होगा, बराबर है? मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप लोग सब लोग यस, रूपा भी वही बोल रही है सर पेरेंट्स से लेके, तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप लोग सब लोग एक अप्रोक्सीमेटली 18-19 साल की किशोर अवस्था में है एंड यहाँ पे ऐसी अवस्था में आप लोग पैसे लेते हैं अपने पेरेंट्स से, क्योंकि आप खुद फिलहाल नहीं कमा रहे, आप खुद मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं कि कल उठ के अपने पैरों पे खड़े होके आप लोग अच्छा खासा पैसा कमा पाए। तो एग्जाम्पल लेते हैं संकल्प का, ऐसे संकल्प का जो 18 साल का है। मैं तुम लोगों को क्या एज का लगता हूं, मैं 18 साल का लगता हूं कि नहीं लगता हूं? सर ये सफेद नहीं होता तो शायद हम बोल लेते 18 क्या क्या मेरा एज क्या लगता है तुम लोगों? सो 18 ईयर्स के संकल्प की बात करते हैं, आइए आइए आइए, ठीक है। 18 ईयर्स के जो संकल्प है ऑब्वियसली उसको भी अगर खर्चा करना है तो उसके पास भी कोई कमाने का जरिया नहीं है, तो वो भी जाता है अपने मम्मी पापा के पास और अपने मम्मी पापा को बोलता है मम्मी मम्मी पापा पापा मुझे चाहिए पॉकेट मनी, अब मैं बड़ा हो गया हूं, मैं कॉलेज जाता हूं, और अगर मैं कॉलेज जाता हूं 25 लग रही है तेरे को मेरी एज, किस एंगल से मैं इतना तेरे को 25 जितना बुढ़ा दिख रहा हूं रे? सर आपकी शादी हो गई आप बोल रहे हो ना, तो उठना हो गया होगा, अच्छा ओके। रूपा बोल रही है सर मुझे तो आप 30 साल के लग रहे हो। क्या यार रूपा, शख्स यार मुझे लगता था मैं यंग दिखता हूं। और क्या सर मैं तो 16 का कहने लगा था। ये अभिषेक, यो ब्रदी, यो ब्रदर, तू सही बोला एकदम। जय गालानी बोल रहा है 27। ठीक है ठीक है, अच्छा लगा आप लोग सब लोग मेरे को रोज मिलते रहो, कितना यंग जैसा फील होता है मेरे को, है ना। सो मिस्टर संकल्प जो 18 साल का आदमी है उसको मिल रहा है रेगुलर बेसिस पे पॉकेट मनी। अब सुनना, उसको
एवरी मंथ पॉकेट मनी मिलता है 1500 रुपीज। सो मिस्टर संकल्प का पॉकेट मनी है ₹1500 पर मंथ। हमारे ये शेयर का पॉकेट मनी है ₹1500 पर मंथ। ठीक है, ओके सर, नो प्रॉब्लम। अब हुआ कुछ ऐसा कि 1 जनवरी को, पहला जनवरी, 1 जनवरी को ₹1500 जो उसको पर मंथ पॉकेट मनी बोला था, वो उसको पर मंथ पॉकेट मनी मिल गया। तो ₹1500 पर मंथ का पॉकेट मनी उसको मिल गया। ठीक है, डन। मंथ खत्म हुआ, 1 फरवरी आया, मम्मी पापा के पास गया वो, मम्मी पापा ने बोला हाँ बेटा ये ले ₹1500 अगेन पर मंथ पॉकेट मनी दे दिया। ठीक है, सो कोई टेंशन नहीं है इसमें अपने को। तो इस सिनारियो से, इस हिसाब से पूरा का पूरा काम चल रहा है, डन, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। अब हुआ क्या पता है क्या, अचानक से मम्मी आई और मम्मी ने पूछ लिया मेरे को कि बेटा तेरा मंथली एक्सपेंस कितना हुआ है हमारे को जरा बताना। तो हम लोग तो तेरे को ऐसे ही पूछे बिना दे देते हैं कि चलो भाई बेटा आया ₹1500 मांगा, ₹1500 उसको दे दिया, वापस से बेटा आया ₹1500 मांगा, ₹1500 उसको दे दिया। अब मम्मी बोल रही है कि बेटा हम लोग तेरे को आग बंद करके ये पैसा दे रहे हैं, तू भी हमारे को थोड़ा बता तो सही कि तेरा खर्चा कहाँ कहाँ पे हो रहा है या पूरा का पूरा पैसा बच रहा है। आप बोलो अरे मम्मी क्या पैसा बचेगा, इतने से में आजकल खर्चे कितने बढ़ गए हैं मम्मी आपको तो पता ही है। हाँ तो बता ना बेटा कि भाई तेरा कहाँ पे मंथली खर्चा कहाँ कहाँ पे होता है, मंथली खर्चा कहाँ कहाँ पे होता है बता। हो सकता है हमको लगा कि भाई तेरा इतना खर्चा हो रहा है तो हम 1500 का 2000 भी कर देंगे, पर तू बता तो सही। बोला ओके मम्मा बताता हूं मैं। फिर बाद में मैं ऐसा याद करने लगा, मम्मा 1 फेब को है ना मेरा ₹100 का खर्चा हुआ, मैं कहीं पे मैं थोड़ा ट्रैवल करके गया बस में, तो उसका ₹50 हुआ होगा शायद। मम्मी थोड़ा मैंने खाना खाया, थोड़ा ऐसे इधर उधर मेरा खर्चा हो गया, बाकी याद नहीं आ रहा है। मम्मी बोली अच्छा ओके। फिर बाद में 2 फेब को, अरे मम्मी 2 फेब को भी ऐसे ही कुछ हुआ होगा, फिर मेरे को याद है, नहीं नहीं मम्मा 2 फेब को है ना मेरा तबीयत ठीक नहीं था थोड़ा, तो ₹200 खर्चा हुआ क्योंकि ट्रैवल के लिए मैंने रिक्शा लिया, वरना मैं बस में जाता हूँ, उस दिन मैंने रिक्शा में गया। अच्छा बेटा ओके कोई बात नहीं बेटा। फिर थोड़ा वही खाना खाया, थोड़ा इधर उधर का खर्चा हुआ, मम्मी लिया ओके ओके बेटा कोई बात नहीं, वेरी गुड बेटा। फिर मैंने बोला मम्मी 3 फेब को भी ऐसे ही हुआ, फिर 4 फेब को भी ऐसे ही हुआ। मम्मी भी मेरी स्मार्ट है, मम्मी वेट करती रही, मम्मी बोली अच्छा फिर 5 फेब को क्या खर्चा हुआ, ऐसे ही मैंने बोला मम्मी ₹500 हुआ, नहीं नहीं सॉरी ₹200 हुआ, ऐसे करके बताया। मम्मी वेट करती रही और मम्मी वेट कर रही थी कि मैं क्या बोलता हूँ 14 फेब को क्या खर्चा हुआ, और मैं भी डबल शाणा, मैं बोला मम्मी कुछ खर्चा नहीं हुआ, मम्मी उस दिन तो मेरा खाली ₹10 खर्चा हुआ, बस बस मैं नीचे गया, एक मैंने बिस्किट खरीदा, मुझे भूख लग रही थी तो, और फिर मैं घर पे आ गया। मम्मी बोली अच्छा बेटा उस दिन तो था ही नहीं तू पूरा दिन। अच्छा मम्मी इतनी अच्छी याददाश्त है आपकी। मम्मी बोली हाँ मम्मी उस दिन है ना मेरे ₹500 का खर्चा हो गया और मैंने ना बुक्स खरीदी। क्या मम्मी मेरी ये बात मानने वाली है क्या? मम्मी बोली देख बेटा पैसा ले ले जितना लेना है, बट झूठ मत बोलना, मम्मी एक्चुअली वैलेंटाइन डे पे था तो थोड़े बहुत फ्लावर्स देने पड़े, थोड़े बहुत डेरी मिल्क कैडबरी चॉकलेट दी, पर हाँ किसी ने भी नहीं बोला मम्मा, हाँ किसी ने भी नहीं बोला। कोई बात नहीं बेटा जो भी खर्चा हुआ है वो खर्चा हुआ है वो बता दे। ऐसे करते 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 हम लोग 28 फेब तक पहुंच गए और मम्मी ने देखा कि टोटल खर्चा हो गया है ₹1600। मम्मी भी शॉक, मैं भी शॉक, बोला क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, 1600 का खर्चा हो गया, पर मम्मी आपने तो ₹1500 ही दिए थे। तो मम्मी बोली कि हाँ हो सकता है कि तेरा जनवरी में कम खर्चा हुआ और अभी 1600 का खर्चा, देख अभी तेरे पास कितना बचा है। मम्मी मेरे पास तो खाली ₹50 बचा है। एग्जैक्टली मम्मी ने तभी मुझे वही चीज का गुस्सा किया, मम्मी ने बोला कि बेटा तेरे पास अगर पैसा आ रहा है
तू बोल रहा है कि तेरे को आगे बन के सीए बनना है, सीडब्ल्यूए करना है, इतनी बड़ी बड़ी डिग्री करनी है, और तू एक अब तेरे मंथली जो तेरा पॉकेट मनी है उसके एक्सपेंडिचर को बराबर से रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा है बेटा, ये क्या बात हुई बेटा? बोला मम्मी सॉरी बट मुझे नहीं पता था कि मेरा इतना खर्चा हो रहा है और मैं उसका ट्रैक ही नहीं रख रहा हूं। मम्मी बोली बेटा प्लीज ध्यान रख, क्योंकि देख अगर तू ये नई चीज रख रहा है ना तो तेरा खर्चा कहाँ पे हो रहा है तेरे को रियलाइज भी नहीं हो रहा है। बोला मम्मी बात तो आप सही बोल रहे हो। क्या मम्मी सही बोल रही है क्या? क्या मेरे को खर्चो? मम्मी बोली खर्चों को कंट्रोल मत कर, बट एटलीस्ट लिख तो सही कर तेरे को जितना खर्चा करना है। तेरे को इधर चाहिए ना, इधर ज्यादा खर्चा हुआ है ना, तेरे को हम 2,000 रुपए देंगे बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने को, बट एटलीस्ट पता तो हो कहाँ पे खर्चा क्या है, हो रहा है क्या नहीं। फिर अपन देखेंगे कुछ जगहों पे सेव कर सकते हैं सेव कर लेंगे, और कुछ जगहों पे लग रहा है अपने को कि यार नहीं खर्चा होना ही है वहां पे और खर्चा कर लेंगे। तो क्या आप लोगों को मेरी मम्मी की बात सही लग रही है क्या? ये पहला चैप्टर मुझे और किसी ने नहीं, मेरी माँ ने कराया है, क्योंकि ये चैप्टर का नाम क्या है पता है क्या? कॉस्ट शीट। और कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब क्या होता है बेटा पता है? कॉस्ट का मतलब होता है खर्चा, खर्चे का मैनेजमेंट एक घर की माँ से अच्छा और कोई नहीं जानता है। ये बात मेरे से लिख के ले लो, ना कोई बड़ा चार्ट बड़े से बड़ा चार्टर्ड अकाउंटेंट, ना कोई बड़े से बड़ा कॉस्ट अकाउंटेंट, मेरी बात ये लिख के ले लो, माँ से अच्छा खर्चे को मैनेज करना और फिर भी सब चीजें प्रॉपरली चलाना और कोई नहीं जानता है। तुम लोग मेरी बात से सहमत हो कि नहीं? सही बोल रही है ना मम्मी भी? बट ये जो मैं अभी बोला वो बराबर बोला कि नहीं बोला मैं? मतलब ये चैप्टर तुमको मेरे से अच्छा मेरी मम्मी पढ़ा सकती है, इस चैप्टर तो मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। इनफैक्ट ये चैप्टर के लिए तुम लोग मेरे पास मत आओ, तुम्हारी मम्मी के पास चला जाओ, वो बहुत अच्छा पढ़ा देगी, मुझे तो उन्होंने ही पढ़ाया ये चैप्टर यार। क्या बोलते हो सर? सही बात बोल रहे हो सर, दिल को लग गई बात, एकदम सही है सर। कभी अपन लोग इस चीज को अक्नॉलेज नहीं करते, ठीक है ना, उड़ा देते अपन लोग कि हाँ ठीक है पापा कमा रहे हैं, मम्मी तो क्या ही कर रही होगी। रियल कॉस्ट मैनेजर अपनी मम्मी है, बताता हूँ मैं आपको। चलो सही है, ग्रेट ग्रेट, हैट्स ऑफ टू मम्मीज। नाउ चलो ठीक है, अब कहानी को और आगे बढ़ाते हैं अपन लोग। तो मम्मी ने अपने को क्या बोला? मम्मी ने बोला कि देख बेटा सबसे पहला काम है कि खर्चे को रिकॉर्ड तो करना सीख। तू तो खर्चा किया है वो रिकॉर्ड ही नहीं कर रहा है। मैं तो क्या करता हूं 1,500 रुपया ले लेता हूं, फिर बाद में जो खर्चा हो रहा है हो रहा है, उसको रिकॉर्ड तो कर बेटा ढंग से। वो कौन करेगा? वो नहीं किया आज तक, और वो नहीं किया उसी का ये परिणाम था कि अपने इतने खर्चे हो गए अपने को पता ही नहीं चला। तो सबसे पहला काम मम्मी ने बोला कि रिकॉर्ड कर, तो मैंने रिकॉर्ड करना चालू किया। कैसे रिकॉर्ड किया आपको पता है? फिर मैंने 1 मार्च से रिकॉर्ड करना चालू किया। मम्मी ने बोला कि रिकॉर्ड करना चालू किया, तो मैंने 1 मार्च से रिकॉर्ड किया। क्या रिकॉर्ड किया? मैंने रिकॉर्ड किया कि मेरा आज टोटल 200 रुपए का खर्चा हुआ है। फिर मैं गया 2 मार्च को, 2 मार्च को मेरा टोटल 150 रुपीज का खर्चा हुआ है। क्या ये रिकॉर्ड जो मैंने किया है, एक चलो एक चीज तो अच्छी कि एटलीस्ट रिकॉर्ड तो करना चालू किया, बट क्या ये कुछ फाइनल सही तरीके से रिकॉर्ड किया है क्या मैंने? क्या आपको लग रहा है सही किया है मैंने ये? मैं आपको बोल रहा हूं कि हाँ मम्मी ने बोला रिकॉर्ड कर, तो मैंने रिकॉर्ड किया, बट क्या ये सही तरीका लग रहा है क्या आपको? बोलो बोलो चल चल। द आंसर इज नो सर, हमने रिकॉर्ड तो कर लिया बट पता ही नहीं चल रहा है 200 रुपए का खर्चा कहाँ पे हुआ, पता ही नहीं चल रहा है कि 150 रुपीज का खर्चा कहाँ पे हुआ। इमीडिएटली मम्मी ने बोला कि बेटा इसको सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड कर, और रिकॉर्ड करते से ही। तो मम्मी ने बोला कि सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड कैसे करेगा? तो लिख इधर कि 1 मार्च को तेरा 200 रुपए का खर्चा कैसे हुआ, तो 50 रुपया ट्रेवलिंग, फिर बाद में 30 रुपीज ईटिंग, फिर बाद में 100 रुपीज और कुछ भी, से फॉर एग्जाम्पल बुक्स, ठीक है, और ये हुआ टोटल 200। हाँ मैं बोला मम्मी आप बात तो सही बोल रहे हो, ये सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड कर रहे हैं तो कितना अच्छी तरह से सब चीजें पता चल रही है, बराबर है। फिर अब तो मैंने ऐसे रिकॉर्ड करना चालू किया, कैसे? 1 मार्च ₹200, कैसे हुआ ये 200? तो मैंने लिखा ट्रैवलिंग 100, ईटिंग 100, हो गया। फिर आया 2 मार्च, 2 मार्च ₹300 का खर्चा हुआ, ये ₹300 का खर्चा मैंने कैसे लिखा? तो मैंने इधर लिखा
बुक्स 200, फिर बाद में और कुछ मिसलेनियस 100। मम्मी ने बोला ठीक है बेटा, अच्छी बात है, अभी तू सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड कर रहा है, बट बेटा इसको अब मेरे को अगर चाहिए कि पूरे महीने में ट्रैवलिंग के ऊपर कितना खर्चा हुआ तो तू मुझे बता पाएगा क्या? मैं बोला हाँ मम्मी, अलग अलग से एक बार मेरे को देखना पड़ेगा। तो मम्मी बोली कि ऐसा कर, सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करके उसको प्रॉपरली क्लासिफाई भी कर ले। मैं बोला ठीक है मम्मी, क्लासिफाई भी कर लेता हूं। तो अब मम्मी ने बोला देख, 1 मार्च इधर लिख ले तेरे क्या क्या खर्चे होते हैं। मम्मी मेरा है ना मेनली ट्रैवलिंग का खर्चा होता है, मेनली मेरा ईटिंग का खर्चा होता है, मेनली मेरा मिसलेनियस खर्चा होता है। तो मैंने ऐसा लिखना चालू किया कि भाई 1 मार्च को 100, ये 150, ये 50, और फिर मम्मी ने बोला एक टोटल का कॉलम बना ले, और इधर भी एक टोटल का कॉलम बना ले। अब मम्मी बोल रही है कि देख बेटा, यहां से तूने स्टार्ट किया था, अब देख सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करके तूने उसको क्लासिफाई भी कर दिया। कैसे क्लासिफाई किया कि भाई कितना ट्रैवलिंग, कितना ईटिंग, कितना मिसलेनियस, कितना टोटल, और एक प्रॉपर स्टेटमेंट फॉर्मेट में भी बना दिया है। अब अगर कभी मेरे को देखना हो कि भाई तेरे कितने खर्चे हो रहे हैं, सही हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तो एक स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली बनाया हुआ है जहां पे सिस्टमेटिकली अमाउंट रिकॉर्ड किया है और उसको क्लासिफाई भी किया है। जब आप इसको इतनी अच्छी तरह से कर लेते हो, एट दैट पॉइंट इन टाइम जो यूजर ऑफ द स्टेटमेंट है उसको कितना इजी हो जाएगा सब चीजें समझना, हाँ या ना। तो मम्मी ने अपने को क्या बताया, मम्मी ने अपने को बताया कि बेटा जो तेरा खर्चा है, जो तेरा खर्चा है, जो कॉस्ट है, क्यों ना उसको तू सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड कर ले। मैं बोला हाँ मम्मा, एकदम सही बोल रहे हो, रिकॉर्ड नहीं सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड। मम्मा सही बोल रही है, क्यों ना इसको तू प्रॉपरली क्लासिफाई भी कर ले। डन मम्मा, क्यों ना इसको एक स्टेटमेंट फॉर्म में तू प्रेजेंट करके दे दे हमारे को, ताकि हम लोग को भी पता रहे। डन मम्मा। जब मैं ये सारी चीजें करने लगा, ये क्या है स्टेटमेंट फॉर्म, जब मैं ये सारी चीजें करने लगा तब मुझे खुद को रियलाइज हुआ दैट यार कितना अच्छी तरह से मैं मेरे कॉस्ट को समझ सकता हूं, कितनी अच्छी तरह से मैं मेरे कॉस्ट को समझ सकता हूं। बराबर है। अब ये तो हुआ संकल्प का एग्जाम्पल। जब संकल्प जो खाली 1500 रुपया वो भी पॉकेट मनी के थ्रू कमा रहा है, और खर्चा भी उसका कोई बहुत ज्यादा है नहीं, वही ट्रैवलिंग, ईटिंग, बुक्स, यही 3-4 खर्चे हैं, उससे ज्यादा उसके खर्चे नहीं है। जब उसने भी सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करके क्लासिफाई करके एक स्टेटमेंट फॉर्म में डाला और एक प्रॉपर आउटपुट आया, तो आपको क्या लगता है, क्या अपने को एट आपको क्या लगता है क्या अपने को एट बिजनेस लेवल भी ये चीज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? क्या अपने को बिजनेस लेवल पे भी ये चीज करनी चाहिए कि नहीं? जब इंडिविजुअल लेवल पे इसका बड़ा इतना बड़ा इंपैक्ट लग रहा है, वो भी 1500 रुपए की चीज में, तो अगर आप सोचिए 5,000 रुपए, 10 लाख रुपए, करोड़ों रुपए का जिसका बिजनेस है, अगर वो भी इसको ऐसे ही सिस्टमेटिकली चीजें करना लगेगा तो ये अच्छी बात होगी कि नहीं होगी? एंड दैट इज व्हाट गेव राइज टू द फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट शीट। अभी आपको सुनने में लग रहा होगा कॉस्ट शीट क्या बड़ी बात है, बट आप सोचो ना, आज से 100 साल पहले तो कोई कंप्यूटर नहीं था, कोई ऐसा बुक्स वुक्स नहीं थी, तब ये चीज का डेवलपमेंट हुआ। तो उन्होंने रियलाइज किया, क्या उन्होंने रियलाइज किया कि यार कॉस्ट है, क्यों ना इस कॉस्ट को सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड किया जाए विद प्रॉपर अमाउंट्स। तो सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग विद प्रॉपर अमाउंट, ठीक है, फिर क्या बोला, विद अप्रोप्रिएट क्लासिफिकेशन। विथ अप्रोप्रिएट क्लासिफिकेशन एंड एंड द लास्ट थिंग, इजिली अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट। इजिली अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट, मानते हो कि नहीं? अगर हम लोग ने ये फॉर्मेट को अपन स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं,
बस एग्जैक्टली इसी चिड़िया का नाम है कॉस्ट को सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करके अप्रोप्रिएटली क्लासिफाई करके एक इजीली अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में स्टेटमेंट में प्रेजेंट करने का ही तो नाम है कॉस्ट शीट। जी हाँ, इसी का नाम है कॉस्ट शीट। ए समझ गुडू एवरीबॉडी। बोलो बोलो टेल टेल राइट। तो कैन आई से, कैन आई से, अगर हर बिजनेस भी ऐसे ही करने लगा तो उसके लिए कैन आई से जो बिजनेस के नंबर्स है वो समझना इजी हो जाएगा। एंड स्पेशली फिर हर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इस चीज को रेगुलरली यूज करने लगा एंड दे गॉट अ वेरी वेरी गुड रिस्पॉन्स। तो अगर मेरे को यहाँ पे किसी लेमैन को भी समझाना है कि भाई कॉस्ट शीट क्या होता है, तो मैं उसको समझा सकता हूं। मैं उसको बोलता हूं कि भाई जो खर्चा होता है ना, खर्चा खर्चा जिसको हम कॉस्ट बोलते हैं, उस कॉस्ट को देखो देखो तुम लोग सिस्टम समझ रहे हो। पहले मैंने तुम लोगों को बताया क्या, एक एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से कनेक्ट किया मैंने तुम लोगों को ये कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट से कनेक्ट किया अपन लोग ने, डिराइव किया ये थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग। अब अपन लोग सॉल्व करेंगे कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन एंड आंसर्स, समझ लो। बस ये एक फ्लो एक अच्छी तरह से बैठ गया ना, फिर और क्या चाहिए। खर्चा या कॉस्ट को सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करके, बस तुम लोग के ईज के लिए लिखवा रहा हूं, बराबर है। प्रॉपरली क्लासिफाई करके प्रॉपरली क्लासिफाई करके एक स्टेटमेंट फॉर्म में, एक स्टेटमेंट फॉर्म में प्रेजेंट करने को बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉस्ट शीट, इसको बोलते हैं कॉस्ट शीट राइट। अब इससे फायदा क्या होगा पता है? दो फायदा होगा, एक मेरा जो प्रोडक्ट है उसका कॉस्ट और उसका प्रॉफिटेबिलिटी कैन आई से मेरे को इसी स्टेटमेंट में दिख जाएगा, और दूसरा फायदा होगा जो मेरे कॉस्ट है उनको मैं एकदम अच्छी तरह से मैनेज कर पाऊंगा। सो कॉस्ट शीट को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक टू कैलक्यूलेट प्रोडक्ट वाइज कॉस्ट एंड प्रॉफिटेबिलिटी, एंड दिस दूसरा टू मैनेज कॉस्ट। ए समझ गुड एवरीबॉडी। प्लीज लिख लीजिए इसको, प्लीज लिख लीजिए आप। यस तो क्या इधर तक आप लोग, सब लोगों को समझ में आ गया? क्या आप मानते हैं कि हर एक इंडिविजुअल तो छोड़ो कंपनी को भी कॉस्ट शीट अपनी बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए? क्या आप मेरे साथ सहमत है एवरीबॉडी, यस और नो? बोलो बोलो चल चल। डन डन डना डन डन। बस
आज का मेरा इंटेंशन यही था कि आप लोगों को बता दूं बेसिक्स के अपना क्या होने वाला है, पूरा आने वाला जो फोकस है किसके ऊपर, क्या बुक्स यूज करने वाले अपन, क्या पेपर पैटर्न है, क्या मेरा अप्रोच होगा, क्या आपका एक्सपेक्टेशंस है, और एक स्टार्ट देना था मुझे कॉस्ट शीट का जहां पे मैंने एग्जाम्पल लिया। एग्जाम्पल के थ्रू आज मैं आप लोगों को ये प्रूव करके जा रहा हूं दैट यस यार 101% द कंपनी एंड इंडिविजुअल एंड एवरीबॉडी डिजर्व्स टू मेक अ कॉस्ट शीट बिकॉज इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी यूजफुल। अब ये कॉस्ट शीट कैसे बनानी है, क्या फॉर्मेट होगा, कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट फॉलो करना है या अपन अपने हिसाब से बना सकते हैं कैटेगराइज करके, क्लासिफाई करके, एंड ऑल ऑफ दोज क्वेश्चंस विल बी आंसर्ड टुमारो। आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू इट? सेम हियर। तो मिलते हैं गाइज कल के सेशन में जहां पे अपन लोग डीप डाइव लेंगे इस कॉन्सेप्ट कॉस्ट शीट के ऊपर। एंड अगर आप लोगों के कोई फ्रेंड्स है उनको भी अगर ज्वाइन करना है तो यू कैन जस्ट टेल देम टू ज्वाइन राइट अवे सो दैट वो लोग अपने साथ कल कनेक्ट हो जाए एंड देन उनका भी अगर लाइव अटेंड करना है तो ज्यादा कुछ मिस ना हो एंड देन दे कैन यू नो गेट इन टच विद अस। ऑलराइट गाइस, मैंने तुम लोगों को मेरा व्हाट्सएप नंबर दे दिया है डाउट सॉल्विंग के लिए, और बाकी आप लोगों को कुछ भी डाउट हो या कोई भी चीज डिस्कस करनी हो, पूछनी हो, द आई एम ऑलवेज ओपन फॉर दैट। हो सकता है कभी आप लोग मेरे को मैसेज करे, व्हाट्सएप करे तो मैं इमीडिएटली रिप्लाई ना कर पाऊं, बट उसका टेंशन मत लेना। जब भी मैं फ्री होऊंगा आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। इन केस नहीं आता है तो तुम लोग मेरे को एक रिमाइंडर भी दे सकते हो एंड देन आई विल गेट बैक टू यू। ओके गाइज, ओके चलो ग्रेट, थैंक यू सो मच। टाइम फॉर मी टू से हास्ता ला विस्ता, बहुत मजा आया आप लोगों के साथ एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू टीचिंग Each one of you. Take care. Keep smiling. Thank you so much. नोट्स सारे के सारे गूगल ड्राइव पे अपलोड हो जाएंगे एंड बाकी तो आप लोगों के पास सब चीजें। ठीक है, चलो बाय बाय, थैंक यू, चलो स्टे कनेक्टेड।